सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला देते हुए यूपी सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है और उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। मुलायम सिंह यादव और मायावती समेत सभी 6 पूर्व सीएम को 2 महीने के अंदर सरकारी आवास खाली करने के आदेश दिए गए हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को भी सरकारी आवास खाली करने का आदेश है। वो महानुभाव ऐसे आवासों को 2 महीने में रिक्त करने का संभवतः आदेश दिया है, जो बताया गया है। जो शासकीय संपत्ति है उसको जनप्रतिनिधि अपने के लिए इस्तेमाल करें ये उचित नहीं है, तो इस निर्णय के लिए मैं समझता हूँ इस दृष्टि से इसका बहुत महत्व है कि इससे जनसामान्य का हमारी जो टॉप जुडिशरी है उसमें जो विश्वास है वो फिर से रीइन्फोर्स हो रहा होगा और उत्तर प्रदेश की जनता तथा अन्य राज्यों की भी जनता के हित में ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि शासकीय संपत्ति को, जनता की संपत्ति को जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने निजी इस्तेमाल के लिए नहीं ले सकेंगे। बुलंदशहर गैंगरेप की वारदात को हुए 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन बुलंदशहर गैंगरेप केस का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पूछताछ के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नरेश, बबलू और रईस के रूप में की गई है। इनकी उम्र 22 से 28 साल के बीच है। फरार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 8 टीमें बनाई हैं। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में छापेमारी कर रही है। जिस तरीके से की गई है, जिसे नेशनल हाईवे से उतरकर और कच्ची सड़क से होते हुए लगभग 1 किलोमीटर अंदर बाजरे के खेत में ले जाके घटना को कारित किया गया है, उससे हमें लगा था कि मौके पर कोई लोकल इनपुट भी इनके साथ है। जिसके बाद हमने लोकल अपनी पड़ताल करवाई और सर्च करवाया तो एक आदमी कोतवाली देहात का, जिसका नाम रईस है, वो मिला और उसने इंट्रोगेशन के दौरान अपनी घटना में संलिप्तता कबूल की है। उसकी निशानदेही पर बैर स्टेशन के पास से 2 और पकड़े गए हैं। इनके बाकी ग्रुप मेंबर्स की भी तस्दीक हो गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को रवाना किया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ, अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर में मां बेटी से गैंगरेप की शर्मनाक वारदात के बाद पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 8 टीमें बनाई हैं। यूपी की डीआईजी लक्ष्मी सिंह से इंडिया 24/7 संवाददाता अनुराग ने बात की। हमारे साथ डीआईजी लक्ष्मी सिंह जी, उनसे हम बात करते हैं। मैम, अब जिस तरीके से आपने यहाँ पर अब कार्रवाई की है, उसके बाद 3 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है, तो अब पूरी पूछताछ में इन लोगों ने आपको बताया है क्या है? देखिए, बाकी भी गैंग मेंबर्स के नाम हमको पता चले हैं और 4 अन्य सहयोगियों की बात इन्होंने बताई है। जो नाम पते, 2 के नाम पते बताए थे वो तस्दीक नहीं हो पाए हैं और दोबारा से पूछताछ करने पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आई है, जिसको वेरिफिकेशन करने तथा बाकी की अरेस्टिंग करने के लिए टीमों को गैर प्रांतों में रवाना किया गया है। मैम, एक अहम बात इन्वेस्टिगेशन में आई कि जो रईस नाम का बदमाश है उसका लोकल कुछ कनेक्शन भी था। आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में बाकी, अगर आप घुमंतू जाति पर काम करते तो शायद इतनी जल्दी ये लोग नहीं मिल पाते, तो कैसे आप लोगों के दिमाग में आया कि इनका लोकल कनेक्शन था? देखिए, जो प्लेस ऑफ अकरेंस है उसको देख के साफ पता चलता है कि ये लगभग 1 किलोमीटर हाईवे से कच्चे रास्ते पर बाजरे के खेत के बीच में से गाड़ी उतार के ले गए और बाजरे के खेत में इन्होंने बाकी घटना को कारित किया। इससे ये पता चला था कि लोकल टोपोग्राफी की जानकारी रखने वाला कोई शख्स है जो इनकी मदद कर रहा है और उसके आधार पर फिर 5 किलोमीटर के रेडियस में हमने कॉम्बिंग करवाई थी। कॉम्बिंग करवा के उसको हुलिया हमको मिला था, उसके आधार पर तस्दीक कराया था, कुछ संदिग्धों को उठाया था। उन संदिग्धों में से एक आदमी की पहचान विक्टिम्स के द्वारा, पीड़ित के द्वारा की गई, जिसको हमने अरेस्ट करके भेजा। मैम, ये कितने महीनों से ये गैंग इस NH पर सक्रिय था और उनकी जो मोटसपोंडाई थी वो यही थी कि गाड़ी के नीचे कुछ ये फ्री व्हील फेंक कर उनको रोकते थे गाड़ियों को? देखिए, ये इस हाईवे पे ही नहीं, ये 3 राज्यों के अलग अलग जगहों पर पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय रहे हैं। इनके कुछ गैंग मेंबर्स पुलिस के द्वारा पकड़े भी गए हैं तथा विभिन्न जेलों में बंद हैं, लेकिन घुमंतू जाति के क्रिमिनल्स हैं। इनके बाकी जो गैंग मेंबर्स हैं फिर वो इस तरह के क्राइम करते रहते हैं।
जी, इनकी मैम प्लानिंग किस तरीके से थी इस हाईवे पर कि लूट इनको करनी है? क्या इनका शिकार पहले से तय होता था या अचानक जो भी शिकार इनको मिलता था? अचानक है इनकी जो बातचीत चली है मॉडस ऑपरेंडाई, ये गाड़ी भेजते हैं, गाड़ी रुकने के उसके बाद जो भी मिल जाए उससे लूटपाट करते हैं। तो अगर NHM 91 की बात हम करें अगर हम, तो यहाँ पर अब तक इन्होंने कितनी वारदातों को अंजाम दिया था? बुलंदशहर पुलिस की नॉलेज में था यह पूरा मामला कि इस तरह की वारदात ये गैंग कर रहा है? देखिए, नॉलेज में था या नहीं था और नॉलेज में होने के बाद क्या कार्रवाई की गई, इसी सब में ढिलाई बरतने के मामले में उन ऑफिसर्स को निलंबित किया गया है। तो लक्ष्मी सिंह DIG उसी दिन से सक्रिय हैं बुलंदशहर में जब ये घटना हुई, और उसके बाद उनका साफ मानना है कि जो अधिकारियों का सस्पेंशन हुआ है वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि वो अपने कामकाज में लापरवाही बरत रहे थे। बुलंदशहर से कैमरामैन अमित और अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ अनुराग चड्ढा, India 24/7। बुलंदशहर में गैंग रेप केस के बाद हटाए गए अधिकारियों की जगह नए अधिकारियों की तैनाती शुरू हो गई है। अनिस अंसारी को बुलंदशहर का नया SSP बनाया गया है। मानसिंह चौहान को SV सिटी बनाया गया है। कल CM अखिलेश यादव ने SSP SP समेत पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया था। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने बुलंदशहर गैंगरेप केस में यूपी सरकार की तरफ से उठाए गए कदम की तारीफ की है। हालांकि गवर्नर राम नाईक ने ये जरूर कहा कि सरकार को सभी नागरिकों को सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए और पुलिस को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। ऐसा है कि मुख्यमंत्री ने जो तुरंत निर्णय किया वह सराहनीय है और उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भेजा, गृह विभाग के सचिव को भी भेजा और जो कदम उठाए वो निश्चित तौर पर अभिनंदनीय है। लेकिन ऐसी बातें, ऐसी घटना न हो इसके लिए पुलिस और सरकार का एक जो कर्तव्य होता है वह निभाने का काम भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक ही घटना नहीं है, जगह जगह पर यह घटनाएं हो रही है। उस भूमिका में मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया वो सराहनीय है, लेकिन सबको सुरक्षा देने का जो काम है वो करने की आवश्यकता है। बुलंदशहर की घटना को लेकर BSP प्रमुख मायावती ने सीधे CM अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यूपी में जंगल राज है और SP की सरकार आने के बाद प्रदेश में हर तरह का क्राइम बढ़ा है। मायावती ने कहा कि बुलंदशहर की घटना ने पूरे देश और प्रदेश को हिला कर रख दिया है। मायावती ने कहा कि अगर अखिलेश यादव ने यूपी नहीं संभल रहा उनसे तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है और कल की घटना को लेकर खास तौर से, वैसे तो जब से उत्तर प्रदेश में सपा के नेतृत्व में सरकार बनी है तो वहाँ हर प्रकार का क्राइम बढ़ा है, लेकिन ये जो बुलंदशहर की घटना घटी है इसने उत्तर प्रदेश की जनता को हिलाकर रख दिया, पूरे देश की जनता को हिलाकर रख दिया है। इसलिए मेरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सलाह के तौर पर यही कहना है कि यदि आपसे उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है, कानून व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है, तो बेहतर यही होगा उत्तर प्रदेश की जनता के हित में कि इनको मुख्यमंत्री के पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बुलंदशहर गैंगरेप पर सियासत भी जारी है। अखिलेश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमलावर हो गई है। प्रदेश BJP के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि प्रदेश में अराजकता का वातावरण है और कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव इस्तीफे की मांग की। वहीं BJP नेता महेश शर्मा ने कहा कि यूपी सरकार को जनता को मामले की गई कार्रवाई बताना चाहिए। वहीं कांग्रेस की यूपी CM कैंडिडेट शीला दीक्षित ने इसे घिनौनी वारदात बताते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बहुत गंभीर घटना है, पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का वातावरण है, माहौल पूरी तरह से खराब हो गया है। अगर कोई सड़क में हाईवे से निकल करके जा रहा है उस समय उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती तो फिर कहाँ सुरक्षा हो सकती है। मैं मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की पूरी तरह से विफलता मानता हूँ। वो प्रदेश को संभाल पाने में असक्षम है। जिनको जिला संभालने के लिए देना चाहिए तो उनको प्रदेश आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कुछ के कारण देने का काम कर दिया। इससे मुझे चिंता है और पूरे प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। केवल पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर देने से
इसका हल नहीं है। मैं श्री अखिलेश यादव जी के इस्तीफे की मांग करता हूँ। बेटी की इज्जत को कौन वापस कर पाएगा, उसके सम्मान को कौन वापस कर पाएगा। एक तरफ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू कर रहे हैं और एक तरफ भारत के माथे पर ऐसे कलंक होते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी कि आखिरकार कब तक बहन बेटियों की इज्जत यूं चौराहों पर लुटती रहेगी। एक नेशनल हाईवे पर, और वो भी अपने माँ के अंतिम संस्कार के लिए लोग जा रहे थे उनके साथ, अगर एक ऐसा हो सकता है तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को अब बताना होगा इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जो भी अब किया हो, जो घटना थी वो न केवल दुखदायक, बेहद दुखदायक और घिनौनी कि इस तरह की घटनाएं दो महिलाओं पर हो और पुलिस कुछ उसके बारे में कर ना सके, ये संकेत देता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश का है वो बहुत ही बिगड़ गया है। यानी साधारण लोग भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। बुलंदशहर मामले में पीड़ित परिवार को यूपी पुलिस ने अज्ञात जगह पर रखा है। महिला आयोग की टीम पीड़ित परिवार की काउंसलिंग करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रशासन पर पीड़ित परिवार को छुपाने का आरोप लगाया है। सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि इस केस में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब पुलिस को पता चल गया था कि NCW जा रहा है तो वो तुरंत उनको वहां से बुलंदशहर वो ले गए और उनका फ़ोन ज़बरदस्ती ऑफ कर दिया गया था। तो हमारी टीम जब बुलंदशहर सीधे पहुँचे तो एक घंटे के लिए तो मिलने ही नहीं दिया। उसके बाद जब हमारी टीम ने काफ़ी आवाज़ की और कहा कि जैसे तैसे हम मिले ही लेंगे क्योंकि आप हमें रोक नहीं सकते, लीगली तो रोक नहीं सकते, तब उन्होंने मिलने दिया। और टीम को पता चला कि उस लड़की को बहुत ज़्यादा बुखार है, तेज़ बुखार है, सुबह से कुछ खाया नहीं था और ना उसे कोई दवाई दी गई थी। ये पेशेवर अपराधी हैं जो हमेशा इस तरह के काम करते रहते हैं। तो मेरा अपना ये कहना है कि ऐसे लोगों को बार बार जमानत दे के छोड़ देना ताकि वो जाएं और फिर जाके वो जुल्म करें लोगों पे, इस तरह के दुष्कर्म करें। तो ऐसे लोगों को ना तो छोड़ना चाहिए, ना ऐसी सज़ा होनी चाहिए ताकि आने वाला कर और कोई भी अपराधी इससे पहले 10 बार सोचे कि मैं अगर गलत काम करूँगा तो मुझे कड़ी सज़ा हो सकती है। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। जो क्रिमिनल्स हैं खुले आम घूम रहे हैं, जंगल राज हो चुका है और नेताओं ने पुलिस को एकदम निकम्मा बना दिया है। शर्म आनी चाहिए उस देश की पुलिस को, उस देश के नेताओं को जो आज तक अपनी कुर्सियों से चिपके बैठे हैं। इन पुलिस वालों को घर भेज देना चाहिए। जब निर्भया रेप केस के बाद तय हुआ था कि पुलिस की पेट्रोल वैन कार्स घूमेंगी, घड़ी घड़ी वहां पे चेकिंग होगी, तो कैसे पूरी रात वो परिवार सड़क के किनारे पड़ा रहा और अगले दिन जाके वो FIR करता है। उत्तर प्रदेश जो है उल्टा प्रदेश बन गया, इसी से साफ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस देश में गुंडा राज चल रहा है, कानून का डर बचा नहीं है। लोग अब सफर करें तो भी एक डर बना रहेगा कि कोई भी लूटपाट करके उनकी घर की महिलाओं के साथ बलात्कार कर सकता है। सरकार को संज्ञान लेते हुए इन तमाम आरोपियों को सख्त सजा दिलवानी चाहिए जिससे कि कोई तो डर बैठे कानून का इस देश में। यूपी के फिरोजाबाद में एक ऑटो चालक और उसके दोस्त पर महिला यात्री से गैंगरेप का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक एटा की रहने वाली महिला किसी काम से शिकोहाबाद आई थी। शिकोहाबाद से फिरोजाबाद जाने के लिए वो एक ऑटो में बैठी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने रास्ता बदल दिया और फिर खेत में बने ट्यूबवेल की कोठरी में ले जाकर महिला से गैंगरेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद लड़की को बेहोश छोड़कर दोनों आरोपी वहां से भाग निकले। चौराहे पर ऑटो किया, ऑटो पे जा रहे थे तो ऑटो वाले ने बोला कि आगे जाम लग रहा है, दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। वहाँ से मेरा मुंह मान के खेतों की तरफ ले। तुम्हारे साथ क्या हुआ? कितने लोग थे? नशीली चीज क्या कुछ खिलाया था? नशीला कोल्ड ड्रिंक खिलाया था। यहाँ शिकावा थाना क्षेत्र से सूचना मिली, पुलिस लेकर के आई है और उसका उपचार करा रही है।
उसके परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है और महिला को अस्पताल भेज दिया गया है। इस संबंध में पुलिस छानबीन कर रही है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शीघ्र ही तथ्यों की छानबीन करके परिवार वालों को बुलाकर FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। राजधानी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि हत्या से पहले लड़की के साथ रेप हुआ था। इस मामले में पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। दानिश और आशु नाम के ये लड़के सगे भाई हैं। हत्या की वारदात 28 जुलाई को हुई है। लड़की का शव जली हुई हालत में मिला है। पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो दोनों कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहे थे। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने इस केस में गैंगरेप का मामला दर्ज किया है। मुझे मालूम चला दो जने हैं, एक का नाम दानिश है, एक का नाम क्या नाम है आंसू है। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसे मेरी लड़की को जलाया है उनको भी ऐसे ही जलाना चाहिए जिंदे ही ऐसे इंसानों को। आप पुलिस से क्या चाहती है, पुलिस क्या करे? पुलिस भी उन्हें ऐसे ही जैसे मेरी लड़की मारी तैसे पुलिस भी उसे जिंदे ही मारे उसको। क्या क्या दानिश क्या परेशान करता था कुछ बच्चे? मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले से उसको पूछ लेती जाके। मुझे कुछ ऐसा मालूम नहीं था। सर दोनों भाई ऐसे ही थे लड़ाई झगड़े वाले, और मतलब आते जाते रास्ते में तो अपना स्कूल से आते थे तो भी परेशान करते थे, इसीलिए परेशान रहती थी वो। सर वो क्या है यहाँ की सारी लड़कियाँ ही उन दोनों से परेशान रहती थी। लखनऊ के थाना मोहनलालगंज कोतवाली फरियादियों से पांव दबाने का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी हेड कांस्टेबल राम यज्ञ यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें हेड कांस्टेबल राम यज्ञ यादव खुद फोन पर बात करते और फरियादी युवक से पांव दबवाते दिखे हैं। राम यज्ञ पर हेड कांस्टेबल होते हुए दरोगा की वर्दी पहनने का भी आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि वीडियो पुराना है। ये जो वीडियो वायरल हुआ है मेरे द्वारा इसकी जांच कराई गई तो ये कुछ समय पुराना ये कोई वीडियो है। ये HCP है राम यज्ञ यादव जी, और अभी वर्तमान में ये छुट्टी पे चल रहे हैं। जो इनका कृत्य है थाने में बैठकर एक ऑफिशियल प्लेस पर इस तरह से कार्य करना ये बिल्कुल गलत है। इसी के चलते इनको सस्पेंड कर दिया गया है और इसकी विभागीय कार्रवाई संबंधित CEO को दे दी गई है। और ये भी इसमें पाया गया जो HCP है उन्होंने 2 स्टार्स धारण किए हुए थे जो कि गलत है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तानी दौरे से पहले भारत का दूसरा नंबर एक और दुश्मन हाफिज सईद और उसका गैंग खौफ से भर गया है। बुरहान वानी की हत्या के बाद हाफिज सईद ने कश्मीर में लोगों की हत्या का जिम्मेदार बताते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान दौरे का विरोध किया है। उसने नवाज शरीफ सरकार को चेतावनी दी है कि अगर राजनाथ सिंह सार्क देशों की बैठक में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो जमात उद दावा देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सार्क देशों के गृह मंत्रियों की होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए 3 और 4 अगस्त को पाकिस्तान में रहेंगे। हाफिज सईद ने कहा है कि एक और पूरा देश भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है तो दूसरी ओर पाक सरकार राजनाथ सिंह का स्वागत करेगी। आर्मी जमात इस्लामी और हिजबुल मुजाहिदीन ये जितनी भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है दूसरे लश्कर तैयबा ये सब मिलजुल के काम करती हैं। अलग अलग इनके रोल हैं। जमात इस्लामी पब्लिक में इमेज बिगाड़ने का काम करती है तो हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंसी का काम करती है। लश्कर तैयबा मिलिटेंट हैं, कभी इनका इस्तेमाल होता है कभी उनका होता है और इनके मिलिटेंट्स भी कामन अक्सर होते हैं। एक दूसरे को मिलिटेंट्स भी सप्लाई करते हैं। ये मार्च जो है ये जान के इन लोगों ने ऑर्गेनाइज की, आर्मी की शरारत है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट मोबिलाइज करना, लेकिन ये कि कहाँ तक हो पाएगी ये नहीं मालूम। पाकिस्तान की तो हालत वैसे ही बहुत बुरी है। लश्कर और मुखिया और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद सलाउद्दीन एक बार फिर साथ नजर आए। रविवार को दोनों
भारत के बेहद नजदीक वाघा बॉर्डर के पास नसीर बाग में साथ साथ नजर आए। दोनों एक रैली में शामिल हुए थे। रविवार को आजाद कश्मीर मार्च के नाम से जमात इस्लामी ने एक मार्च निकाला था। इसी मार्च में दोनों आतंकियों की जोड़ी एक साथ साथ दिखी। इस रैली में जमात चीफ सिराजुल हक ने कश्मीर पर पाकिस्तानी संसद से दखल की अपील भी की है। वहीं मामले पर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आतंकी संगठन कश्मीर में माहौल खराब करना चाहते हैं और ये कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की साजिश है। जो कश्मीर में माहौल इस समय है, पहले तो उसके जिम्मेदार वही है। वो नहीं चाहते कि वो माहौल जो शांतिपूर्वक शांति की तरफ बढ़े, उसको और बिगाड़ना चाहते हैं और ये मार्च उसी को नज़र रखते हुए किया गया है। आप देख रहे हो अभी भी लगभग 19 या 20 दिन हो गए हैं, कश्मीर में हालात अभी भी नॉर्मल नहीं हुए, तो उनकी यही कोशिश है कि स्थिति को ख़राब रखा जाए ताकि दुनिया जो है हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डाले, यूनाइटेड नेशंस है हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डाले और ख़ास तौर पर अमेरिका जो है हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डाले कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का, और बातचीत जो है बंदूक की नोक पर नहीं हो सकती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से अगले 10 दिनों तक कामकाज से दूर रहेंगे। केजरीवाल धर्मशाला में धर्मकोट के विपसना सेंटर में ध्यान लगाएंगे। विपसना सेशन में उनका ट्रेनिंग सेशन मंगलवार को शुरू होगा। इन 10 दिनों के दौरान केजरीवाल का किसी से मिलने जुलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। इस दौरान उन्हें अखबार, टेलीविजन या फिर किसी भी तरह की मीडिया से दूर रहना होगा। केजरीवाल का ये विपसना सेशन ऐसे वक्त में हो रहा है जब पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में आपके 3 विधायक जेल में हवा खा रहे हैं। दिल्ली के गड्ढे पर सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी ने इसे दिल्ली पुलिस की लापरवाही करार दिया है। दिल्ली के मंत्री की दलील है कि दिल्ली पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के काम में बाधा डालने की वजह से दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे बच गए हैं। है कि कभी भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है, पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी खुद रिपेयर कर सकता है, परंतु ट्रैफिक पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने उनकी गाड़ियां जब्त की, उनको काम नहीं करने दिया, तभी उन्होंने मजबूर होकर 8 जुलाई, 14 जुलाई और 21 जुलाई को पुलिस को, डीसीपी को लेटर लिखे कि आप इंटरवीन कीजिएगा। जो लोकल पीआई है उसने उनको बिल्कुल काम नहीं करने दिया, तो उसने इंटरवीन करने के लिए लिखा है। तो ये तो कहना है कि क्या कारण था कि गाड़ी हो सकता है पैसे चाहते हों, उनका तो धंधा है लोगों से पैसे मांगने। सरकारी गाड़ी सर, वो किसी से भी मांग सकते हैं ना, आपको नहीं पता, आप जाके देखिए क्या करते हैं। सरकारी लापरवाही का मामला है, क्या सरकार कंपनसेशन के बारे में विचार करेगी? विचार करेंगे और साथ साथ मैंने कहा जांच बैठा दी गई है, जिसकी भी गलती होगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के उत्तम नगर में भारी बारिश के चलते आज सुबह एक मकान गिर गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, एक जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि पानी की निकासी न होने की वजह से यह हादसा हुआ। राजधानी दिल्ली में कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। सर ऐसा रात को 1:30-2 बजे के टाइम पे हम सो रहे थे और एक बार आवाज आई झम, जब झम आवाज में बाहर निकला अपने मकान की तरफ देखा तो कुछ नहीं, फिर इनकी तरफ देखा तो सारा मकान बैठा हुआ था। फिर हम फटाफट आए, सारा सामान निकालने लग गए, 2 बच्चों को निकाला, 1 लेडीज़ को निकाला और भैंसों के ऊपर से सारा सामान हटाया और एक भैंस को फटाफट बाहर भागी, बाकी 2-3 हैं, एक तो एक्सपायर हो गई भैंस उसी टाइम पर और बाकी 3 बची हुई, उनकी भी हालत ख़राब है। वजह इसकी तो जी पानी की वजह है, बस एरिया में पानी भरा है, निकासी कहीं है नहीं और पानी की वजह से बैठ गई। दिल्ली के मरीजों की आज मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। दिल्ली के आज 2 बड़े हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा को भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। रेजिडेंट डॉक्टर सफदरजंग हॉस्पिटल के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और RML हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज को इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से हटाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये 2 महीने पुराना हमारा प्रोटेस्ट है। पिछले 1.5 महीने में हमने बहुत सारे लेटर्स, मेल्स और ट्वीट सेंड करे हैं मिनिस्ट्री को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, कि वो हमसे मिले, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री एक प्रपोजल पास करने जा रही है जिसके तहत इन सारे कॉलेजेस की एफिलिएशन IPU से DU के अंदर बदल दी जाएगी।
इसके तहत सफदरजंग से बनने वाले डॉक्टरों का नंबर कम हो जाएगा। इसीलिए हमारी ये लड़ाई मरीजों के खिलाफ नहीं है, हमारी फिर से उन सब से एक गुजारिश है, एक विनती है कि मरीज हमारे साथ सहयोग करें। हम माफी चाहते हैं कि उन्हें तकलीफ है, अगर किसी को बहुत दिक्कत है तो हमने उनके लिए कैजुअल्टी की सर्विसेज अभी भी रखी हुई है। मौसम में बदलाव के कारण वायरल और डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यूपी के हमीरपुर में जिला हॉस्पिटल में सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। अस्पताल के वार्ड में एक बेड में दो दो मरीजों को रखना पड़ रहा है। अस्पताल में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लोग सैकड़ों की संख्या में लाइन में खड़े हुए नजर आए। वाराणसी के तेलियाबाग में एक रेस्टोरेंट में सीट नहीं मिलने पर गुस्साए बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि आधा दर्जन बदमाशों ने सीट नहीं मिलने पर पहले वेटर की जमकर पिटाई कर दी। वेटर की पिटाई से नाराज होटल कर्मचारी बाद में इन बदमाशों पर टूट पड़े। बिहार इंटर टॉपर्स घोटाला मामले में आरोपी रूबी राय को जमानत मिल गई है। एडीजी वन की कोर्ट में रूबी को जमानत मिली है। जुवेनाइल कोर्ट ने रूबी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे जमानत दे दी है। रूबी की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई थी लेकिन उसे जमानत नहीं मिल पाई थी।